गाइज आप में से 90% व्यूअर्स जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरी फैमिली का हिस्सा है, वो ना देखो एक थ्री फिंगर का क्लोनी यूज़ करते हैं, मतलब थ्री फिंगर में ही खेलते हैं। तो गाइज उनके लिए एक प्रो वाला सेटिंग प्रीव्यू लेके आया हूं। इस सेटिंग के अंदर ना बेसिकली ये होने वाला है कि आपको पूरा सेटिंग प्रीव्यू बताऊंगा थ्री फिंगर के अंदर, मतलब थ्री फिंगर के लिए जो एक लेजेंड बंदा यूज़ करता है और थ्री फिंगर में अच्छा सा गेम प्ले करता है, लेजेंड तरीके का गेम प्ले करता है, क्या क्या चीज़ें थ्री फिंगर के अंदर यूज़ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सबके सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को मिस मत करना, अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर हो तो आपके लिए बेस्ट तरीके से वीडियो बना हुआ है। और अगर आप सोच रहे हो थ्री फिंगर में शिफ्ट होना, क्योंकि देखो थ्री फिंगर तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसीलिए देखो अगर आप सोच रहे हो थ्री फिंगर में भी शिफ्ट होना, तो ये वाला वीडियो आप देख ही लो और आपको एक परफेक्ट सी मतलब कस्टम एचडी भी दिखा दूंगा। और गाइस पूरा के पूरा सेटिंग प्रीव्यू भी देने वाला हूं। तो फाइनली आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब याद से कर देना। फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली सेटिंग के अंदर आना है आपको, ठीक है। लेकिन एक सेकंड गाइस, तो मेरे डायमंड्स पे पूरी पूरी नज़र मत डालो। गाइस मैंने अपना जो इवेंट आया वो भी कंप्लीट कर दिया है पूरा के पूरा, जिसमें ये वाला बंडल मिल रहा था आप देख सकते हो, ये वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया है और मेरे पास अभी भी डायमंड्स बचे। तो मैंने कैसे डायमंड्स लिए सबके सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आप भी इसी तरीके से ले सकते हो। तो गाइस फर्स्ट में बात करेंगे, देखो सेटिंग के अंदर आना है और सेंसिटिविटी की बात कर ली जाए तो जनरल को 100 रखना है ताकि इसमें आपकी मूवमेंट ना बिल्कुल गोल्ड लेवल। गाइस फाइनली बात करेंगे, देखो एम प्रीकॉशियस को आपको डिफॉल्ट करके रखना है। और फाइनली बात करेंगे लेफ्ट पार बटन, इसको अगर आप देखो मतलब ओनली होल्ड टू स्कोप करते हो ना, तो मतलब ये वाला स्कोप का मतलब जब भी आप इसको ओपन करोगे तभी आपको देखो लेफ्ट फायर बटन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑलवेज पे सिलेक्ट करना है अगर आप थ्री फिंगर प्लेयर मतलब बनना चाहते हो तो, ठीक है। फाइनली बात करेंगे क्विक स्विच ओपन बटन, अगर आप रियली थ्री फिंगर खेलते हो ना तो स्विच ओपन बटन को कभी भी इग्नोर मत करना, और आप यूज करना तो इसको थर्ड फिंगर से ही यूज करना, बहुत ज्यादा बेस्ट है। गाइस अपने नेक्स्ट नंबर की जो चीज निकल के आती है वो क्विक रीलोड बटन है, इसको आप देखो इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी करके रखना है। और होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन करके रखना है, और सिंगल ग्रेनेड स्लॉट का जो ऑप्शन आता है ना इसको डबल करके रखना है अगर आप थ्री फिंगर लिटरली खेल रहे हो ना, इसको डबल स्लॉट करके रखना है और चेंजेस कर लेना है अभी से आपके कस्टम एचडी के अंदर चेंज कर लेना है। देखो यहाँ पे भी मेरा देखो दो स्लॉट बन के निकल के आ गए, ये देखो बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा आपको, अभी पता नहीं चलेगा लेकिन आप जब भी इसका यूज़ करना सीख गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। डबल स्लॉट करके ही यूज़ करता हूँ। और फाइनली बात करेंगे, देखो गाइस मैं आपको आगे बता देता हूँ, आपको देखो स्मार्ट थ्रोन ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्मार्ट थ्रोन का जो ये न्यू ऑप्शन आया ना अपडेट के बाद ये वाला, ठीक है। अगर आप देखो मेडिकेट वगैरह यूज़ करते हो, ग्लूवल वगैरह इसका यूज़ करते हो तो इस टाइप से कुछ आएगा और आप इधर से इधर स्लाइड भी कर सकते हो और अपने चेंजेस भी कर सकते हो बटन, लेकिन मैं इसको ऑफ ही करने का आपको ये बोलूँगा क्योंकि इसका देखो अभी आदत नहीं है अपन को, ऑफ ही रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। डैमेज इंडिकेटर का होगा ना उसको देखो आप, देखो ये भी कर सकते हो क्लासिक डार्क मोड ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन बाकी देखो जैसे मैंने रखे हुए ना उसे कि आपको कॉपी करना है क्योंकि देखो ये एक प्रो प्लेयर की जो सेटिंग है ना वो आपको दिखाई है मैंने, ठीक है। तो ये जैसा कर रखा है वैसा कि वैसा ही करना है आपको, देख सकते हो। और आप देखो रन मोड वगैरह देखो ड्रैग करके भी कर सकते हो जैसे पबजी में होता है ना वैसा कुछ, जैसे देखो ड्रैग पे आप सिलेक्ट करते हो तो BGMI पबजी जैसा चलेगा, और क्लासिक करते हो तो अपना फ्री फायर जैसा, और देखो मिक्स करते हो ना तो दोनों ही मिक्स होगा, ठीक है। ऐसा कुछ पबजी वगैरह ऐसा होता ना वैसा कुछ। ये कुछ कंट्रोल्स की सेटिंग है, आपको कैसी लगी ये बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फाइनली बात करेंगे ऑटो पिकअप डिस्प्ले और इनके बाकी बारे में वगैरह, इसको आपको क्या रखना चाहिए सबके सब बताने वाला हूँ। तो गाइस एक और बता देता हूँ, डैमेज इंडिकेटर आपको न्यू करके ही रखना है, आपको ये बात ध्यान में रखना क्योंकि देखो डैमेज इंडिकेटर बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से वर्क करेगा आपके डिवाइस। थ्री फिंगर में तो हेड पड़ेगा ना भाई, क्या ही तो लगेगा वो, इस टाइप से बोलना चाहता हूँ, इसलिए देखो थ्री फिंगर में आप डैमेज इंडिकेटर को न्यू करके ही रखना। गाइस फाइनली ऑटो पिकअप के अंदर आते हैं तो आपको इस टाइप का कुछ कर लेना है, जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है उसको ऑफ कर देना, बाकी सबको ऑन कर देना। इसी में भी ग्ले स्क्वाड के अंदर भी ऐसा ही करना है, स्पेशल इक्विपमेंट को ऑफ कर देना, बाकी को ऑन कर देना है। फाइनली बात करेंगे, देखो FPS अगर आपको हाई चाहिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, आपके ड्रैग वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो आप देखो स्टैंडर्ड या स्मूथ की तरफ ही जाना। मैं लिटरली बोल रहा हूँ अल्ट्रा के अंदर, मेरे डिवाइस के अंदर भी देखो इतना FPS कम आता है ना, मेरे को भी खेलने का मन नहीं करता है अल्ट्रा के अंदर। मैं आपको लिटरली बताऊँ ना तो स्टैंडर्ड के अंदर ही खेलना, अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस या हाई एंड डिवाइस है तो स्टैंडर्ड के अंदर ही खेलना, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। FPS का जो ऑप्शन होता है देख सकते हो मैंने एरो करके दिखाया, इसको हाई पे ही रखना है, ठीक है। तो फाइनली बात करेंगे साउंड इफेक्ट के अंदर आपको किस टाइप से रखना है, तो देखो म्यूजिक को आपको जीरो करके रखना है और बाकी देखो सबको हाई करके रखना है, बेस्ट रहेगा। और कैरेक्टर वॉइस अगर आपके पास एक लो एंड डिवाइस है तो ऑफ करके रखना है और एक हाई एंड डिवाइस है तो ऑन करके रखना है। ऐसे अगर आप देखो क्ले स्क्वाड के अंदर जाते हो और शुरू शुरू में नहीं बोलता वो कि लेट्स गो वगैरह ऐसा कुछ, वो नहीं बोलेगा, ठीक है, ऑफ रखोगे तो। फाइनली वाइब्रेशन तो आपको ऑफ ही रखना है, ये बात ध्यान में रखना, लो एंड हाई डिवाइस दोनों के लिए ऑफ ही रखना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर आपको इस टाइप से कुछ कर लेना है, आप देखो फ्रेंड रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, मिला के सब तो ऑन ही रखना है आपको, ठीक है। फाइनली FF मैक्स के अंदर आपको देखो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लो एंड हाई डिवाइस है दोनों के लिए ये कर सकते हो, और लॉग इन वीडियो का ऑफ भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऑन भी रख सकते हो और ऑफ भी रख सकते हो। तो मैं फाइनली आपको कस्टम एचडी दिखा देता हूँ, उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ज़्यादा डायमंड्स ले सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो देखो स्विच ओपन बटन यहाँ रखना है, सीट वाला बटन यहाँ, और अपना देखो मतलब लेफ्ट पावर बटन यहाँ, देख सकते हो इस टाइप की कुछ कस्टम एचडी है थ्री फिंगर की।
की है और मैं बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें अगर आप शिफ्ट होते हो और आपको एक परफेक्ट कस्टमर एच ओ डी चाहिए ना, तो इसी में शिफ्ट होना आप, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ गाइस, मैंने ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कस्टमर एच ओ डी डिज़ाइन की है, जिसमें अंदर आप देखो फास्टली ग्लोबल भी लगा सकते हो, मूवमेंट भी अच्छी कर सकते हो, और स्नाइपर भी चला सकते हो, और रैंक गेम भी खेल सकते हो, और बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हो। इसका देखो आइटम का निशान को आप जहाँ आप अच्छा लगे आपको वहीं आपको सेट कर देना है। बाकी इस टाइप की कुछ कस्टमर एच ओ डी है आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये सेटिंग प्रीव्यू मैंने पूरा के पूरा बता दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिलेगी विंजो की। गाइस, आप में से 99% बंदों को पता नहीं है कि विंजो में ग्लिच चल रहा है। ग्लिच कैसे यूज करना है आपको देखो, लिंक पे टिप करना है डायरेक्ट और डाउनलोड एंड गेट 550 रुपीज। गाइस, जैसे डाउनलोड करोगे और 550 रुपए मिलने वाले आपको। लेकिन गाइस एक शर्त है कि इसमें देखो आपको न्यू नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। जिस नंबर से आपने पहले देखो विंजो ओपन नहीं किया है, उस नंबर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर गाइस मेरी लिंक से करते हो ना, तो गाइस आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 5 घंटे में आप स्पिन कर सकते हो डेली के डेली। और गाइस मेन बात यहाँ आती है कि आप मेरी लिंक से करते हो ना, तो आप देखो जैसे अपना कैश ऐड करोगे तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा। अगर आप देखो 100 रुपए ऐड करते हो तो आपके वॉलेट में 200 आएंगे, और 500 करते हो तो 1000 रुपए आपके वॉलेट में आएंगे, ठीक है। और अगर 50 करते हो तो 100 आएंगे। भाई आप समझ जाओ कितना फायदा ही फायदा है आपको। गाइस आपको देखो मतलब लॉगिन करने पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद ना देखो आप गेम खेलते हो, और गेम किस टाइप से चलेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको देखो अगर वर्ल्ड वार में जाते हो तो फ्री के गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हो फ्री में गेम खेल सकते हो आप आसानी से। और प्राइस पूल देख सकते हो 3 रुपए में 117 रुपए, 3 रुपए में आपको देखो 90 रुपए, 3 रुपए में आपको 135, और फ्री में आप देखो 200, 250, 400 रुपए तक कमा सकते हो। और गाइस आप देखो फैंटेसी के अंदर भी खेल सकते हो, मतलब क्रिकेट वगैरह भी खेल सकते हो आसानी से, अगर आपको क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है और टीम वगैरह लगाना चाहते हो आप। देखो ड्रीम इलेवन वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो आप इसी तरीके से फ्री में आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। अगर देख सकते हो 5 रुपए में मेरे को देखो 20,000 समथिंग इतने रुपए मिल रहे हैं। गाइस अगर मेरी लिंक से न्यू नंबर से रजिस्टर करते हो ना, तो आपको फायदा ही फायदा है। मैंने देखो 20,000 डायमंड निकाले थे, वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर। गाइस देर बिल्कुल मत करो, ग्लिच कब बंद हो जाएगा क्या पता। और मेरी लिंक से आप अगर रजिस्टर करते हो तो आपको पैसे 550 तो मिलने ही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी जाके डाउनलोड कर लो। यार गाइस बस आज के वीडियो में इतना है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज्यादा से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो में, जब तक के लिए टिल टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल, और जल्दी से डाउनलोड कर लो विंजो।